लगाओ तुम भाग्य भारती ने क्या गली गली माँ खुशियाँ छाई घर घर में फिर सोमनाथ पावा है। मैं लगभग 69 साल का हूँ। मैं यहाँ लगभग पिछले 20 साल से हर साल आता हूँ। और यहाँ जब मैं पहली बार आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने 5वीं क्लास भी पास नहीं की थी। लगभग यूँ मान के चलो कि 50 साल पहले आया था सबसे पहले। और तब यहाँ आया था, कोई सुविधा नहीं थी। खाने पीने का भी हर अरेंजमेंट बड़े टफ था, बहुत मुश्किल से किया जाता था। इवन पीने का पानी भी चेनाब से सेवादार लाते थे। और उन दिनों की सुविधाओं को देखते हुए बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत तरक्की हुई है और बहुत सुविधाएं दी गई हैं। और यहाँ पे मन को आके बहुत सुकून मिलता है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि हर गुरु घर को मानने वाले को हर साल आना चाहिए और दर्शन करना। आज बहुत लोग क्यों आते हैं बैसाखी वाले दिन? क्योंकि सिख धर्म का सृजना दिवस है। इस दिन सिख धर्म की स्थापना की गई थी। भोले बाबा का द्वार है, आओ जो जलाए मिल के भोले बाबा का द्वार मैया की साचे दरबार की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन की मन जोड़
मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बचपन से हम इसको देखते आए, हमारे जो छोटे से होते थे तो हमें था झूले लगेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, तो वो जो एक क्रेजीनेस है, क्यूरियोसिटी है, वो अभी भी है। मैं स्पेशली जम्मू से मेला मिस नहीं किया, मैंने मैं आई हूँ। हजारों की तादाद में लखन की तादाद में श्रद्धालु जो इतने पहुंचे हैं, ये जो महान स्थान है, ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का थापे स्थान है। पहले तीन महापुरुष जिन्होंने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, उन्होंने मुबारक हाथों तू जो अमृत छकिया और खंडा बाटा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देख के भारत देश के अंदर जो है सिख के प्रचार लिए भेजे सन। ये विसाखी का त्यौहार पुंछ के अंदर बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये डेरा संतपुरा नंगाली साहब पुंछ के अंदर, ये जब से ये डेरा बना हुआ है, संत भाई मेला सिंह जी पुंछ में आए और नंगाली की यहाँ स्थान पर इन्होंने ये डेरा काम किया और तब से आज तक ये नंगाली विसाखी का जो पर्व यहाँ मनाया जाता है।